हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेनू चौधरी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत ना मॉर्निंग के हमारे होम क्लीनिंग से हो रही है। तो मैं मतलब कि जहाँ पे भी डस्ट वगैरह है ना, उसको मैं आज साफ़ करने वाली थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर को मतलब कैसे अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ। और सच में गाइस, जब साफ़ होने के बाद में जो फीलिंग आती है ना, सारा मतलब हर जगह जहाँ पे भी नज़र डालो वहीं पे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये एकदम से ठीक है, अपनी सही जगह पे है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये आप देख लीजिए, पहले हमारे अद्विक को कैसे मतलब कि काम को बढ़ाने के लिए आ जाता है। और बच्चों का होता भी यही है, जब भी मतलब बड़े जो काम करते हुए दिखते हैं ना, तो उनको ये होता है कि मुझे भी करना है। तो अभी का भी कुछ ऐसा ही चलता रहता है, जैसे ही मैं किसी काम में लगती हूँ, ये आ जाता है पीछे पीछे परेशान करने के लिए और टाइम वेस्ट मेरा करता रहता है। तो इसके चक्कर में ना डबल टाइम लग जाता है मुझे काम को करने करने में, इसी चक्कर में मैं लेट होती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारी टेबल को कॉलिन मार के साफ़ कर दिया है, और कॉलिन से अच्छे से साफ़ हो जाता है, कपड़ा भी मतलब गीला करने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे तो मतलब कि पानी की बजाय कॉलिन से साफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है सब कुछ। आप लोग देख रहे हो टेबल कैसे चमकने लगी है, और ये सीट है, इनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं अभी का जो दूध गर्म करके रखती हूँ ना, वो मैं इस टेबल पर रख देती हूँ, तो वो फिर मैं उस बोतल में डालती हूँ ना, कभी कभी छींटे पड़ जाती हैं, यहाँ पर गिर जाती है, तो मैं उनको मतलब कि इस वजह से भी मतलब कि साफ़ करना ही पड़ता, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे चेयर को भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। जब हम एक काम में लग जाते हैं ना, तब फिर यही होता है कि बस अब तो जल्दी जल्दी से जहाँ पे भी जो भी दिखे ना कि हाँ साफ़ करने वाली चीज़ है, इसको फिर कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज करेंगे कल करेंगे, आज कल से कुछ नहीं होता। जब हम उठ के मतलब किसी काम में लग जाते हैं ना, तो वो काम तभी कम्प्लीट होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा, ये सोचती हूँ ये आज करूँगी कल करूँगी, फिर आजकल होता जाता है, होता कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इस चेयर पे भी वैसे कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी है ना कि जब काम करने का कर ही लिया, मन बना ही लिया सब कुछ साफ़ सफाई करने का, तो अच्छे से करते हैं, अच्छा भी लगेगा देखने में भी। तो यहाँ पे अभी बस फ्रिज को मैं अंदर से साफ़ नहीं करूँगी, बाहर जो इसके कवर के ऊपर देखो कितनी डस्ट है, साफ़ करने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना भी क्लीन हो गया है। क्योंकि होता ही है यहाँ पे धूल मिट्टी साउथ में शायद ज़्यादा आती है, इसी वजह से चिपकी चिपकी सी मिट्टी सी आती है, पता नहीं कैसी क्या, तो इस वजह से साफ़ करना ही पड़ता है। वीक में एक दो बार तो पक्का ही करना पड़ता है, अगर ना करो तो ऐसा लगता है पता नहीं कई दिनों से साफ़ नहीं किया होगा घर को, ऐसा लगता है। तो बस फाइनली फ्रिज को मैं ऊपर से साफ़ कर दूंगी, और थोड़ा सा मतलब सामने से, और मतलब बाहर बाहर का एरिया इसका साफ़ करूंगी, क्योंकि अंदर से अभी मुझे इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि बाद में कभी अच्छे से इसको साफ़ करेंगे अंदर से। लेकिन इतना गंदा भी नहीं है, क्योंकि अभी न्यू लिया है ना, और वैसे भी लाने के बाद में ना एक दो बार मैंने साफ़ कर दिया था इसको। तो बस कॉलिन से साफ़ करती हूँ, और आप लोग भी कॉलिन से साफ़ करके एक बार देखना, बहुत अच्छे से इजीली से मतलब साफ़ हो जाता है। तो बस फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, और डस्ट ऐसी जगह यहाँ पे मतलब कि इतनी वो तो है नहीं कि मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, जो दीवारों में होती है जगह अलमारी वगैरह, वो तो है नहीं खुली कि वहाँ पे डस्ट जाए। यहाँ पे जो सामान रखा रहता है ना, उस पे ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है। तो यहाँ पे अभी हमारा मतलब टीवी देख रहा है, और ये देखो खिलौने उस रूम में भी रखता है और इस वाले रूम में भी रखता है, सारे दिन एक तो इसके टॉयज से मैं परेशान रहती हूँ। और इधर ये टीवी वाली टेबल, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और सच में गाइस, साफ़ सफाई करने के बाद में मतलब सारा काम जब कम्प्लीट हो जाता है ना, तब जो फीलिंग आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। वैसे मौसम भी मतलब टाइम भी इस वक्त ऐसा ही चल रहा है कि घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कि कीटाणु वगैरह ना रहे घर में। और मतलब कि वही है ना कि खाली टाइम जब भी आपको मिल जाता है ना, तो ये मत सोचिए कि ये काम हमें कब करना है क्या करना है, बस जो भी दिखता है ना उसको कर लेना चाहिए। और हम हाउसवाइफ का तो यही होता है कि मतलब बाकी काम से फ्री हो तो एक नए काम आगे से आगे दिखता ही जाता है, तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बस कर लेना चाहिए, तभी हमारा काम कंप्लीट होगा। तो चलिए अभी बाकी का काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ, अब इसमें साफ नहीं, इधर ही रखे रहने दो, इसको साफ करेंगे हम इसको। ये मम्मी कपड़े, ये भी साफ़ है।
आप लोग ना अभी को देख लीजिए, मेरे से पहले ना इसको साफ़ सफाई करने की पड़ी थी। मतलब जहाँ पे भी मैं जा रही थी पीछे पीछे जा रहा था, तो इसको ये था कि चेयर को भी साफ़ करेगी मम्मा, लेकिन उस चेयर पे इसके टॉयज रखे रहते, इतने मतलब कोने में रहती है, इतनी डस्ट वगैरह जाती नहीं है उस पर। और वैसे भी मैं मतलब कभी कभी ऐसे ही कपड़ा मारती भी रहती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग थी, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, मिरर को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आजकल मतलब क्या हो रहा ना कि सामान भी मेरा ड्रेसिंग के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ रखा हुआ है, उसको भी मैं अरेंज करने का मतलब जैसे टाइम लगेगा ना उसको भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे बस अभी मैं पोछा लगा रही थी, और पोछा मतलब कि पहले मैं किचन में लगाती हूँ जब साफ़ पानी होता है, उसके बाद में कमरों में लगाना स्टार्ट करती हूँ। और पोछा लगाते वक्त आप मतलब उसमें कुछ मतलब या तो डिटोल या लाइजोल कुछ ना फिनाइल जो भी आप डाल के लगाया करो। और आजकल तो क्या है ना सब ऐसे लगाते भी है, क्योंकि एक तो अच्छी अच्छी खुशबू महक आती है ऐसे, मतलब कुछ भी फ्लेवर वाला मतलब कि लिक्विड हम डाल के लगाते हैं ना तो अच्छा लगता है, खुशबू सी हो जाती है पूरे घर में, और कीटाणु वगैरह भी नहीं रहते हैं घर में, अच्छा लगता है। और मतलब कि फर्श वगैरह भी अच्छे से साफ हो जाता है। तो बस अब मैं इस कमरे में लगा दूंगी, और बाद में दूसरे वाले रूम में भी अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और ये पोछे की जो डंडी है ना काफ़ी लंबी है, आराम से मतलब ईजिली पूरे बेड के नीचे चली जाती है, और अच्छे से पोछा लग भी जाता है इनसे। और बैठ के लगाओ ना तो मतलब कि बेडों के नीचे नहीं जा पाते, क्योंकि इस नीचे है चारपाई और इनके नीचे घुसना पॉसिबल नहीं है। चलो सबको हाय करो। कैसे हो? अभी नहा लिया? और अभी के पास देखो कितने सारे टॉयज है, और उसने बिखेर भी दिए सारे, और मम्मा ने अच्छे से करके रखे थे, सुंदर बनाया था कमरे को, रवि ने बिखेर दिया। क्या बना रहे हो ये? जीरा बना रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी मतलब सारा काम कंप्लीट किया है बस अभी, और अभी को नहलाया है। मैंने कोई वीडियो नहीं आई होगी आप लोगों के पास में, छोटी सी मैंने अभी की एक मतलब पहले की 2 साल पहले की शॉर्ट वीडियो थी मेरे पास में, वो मैंने डाली थी, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, और हाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सारी, मैंने एक ये मैंने मतलब लगा दी है, ये उस घर में भी थी मेरे पास में गोवा वाले में, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, रखी हुई थी कई दिनों से, तो मैंने सोचा लगा देते हैं इसको। और हाँ थोड़ा सा चेंज मैंने इधर भी कर दिया है, इनको मैंने इस साइड में कर दिया, देखेंगे इधर तो सामने मतलब कि गेट है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम, इधर उत्तर, फिर शायद इधर शायद मतलब कि सर करना, सर करके सुना शायद सुबह में नहीं होगा, तो देखनी उधर करेंगे क्या करेंगे, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, और देखना कितना मतलब काफ़ी स्पेस निकल गया आगे की साइड ये वाला, इधर भी, क्योंकि बीच में जब था ना तो ना है तो इधर जगह थी ना इधर थी, और मतलब कि ऐसे भरा भरा सा लग दिया। और अभी चलते हैं किचन में, और किचन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं अभी, क्योंकि तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो मैंने इधर लहसुन छील के रखा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं इसको आज, और ये मैंगो मैगी को कट करके दूंगी, ये मैंने सब निकाल लिए थे फ्रीज से। तो चलिए जल्दी से काम मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, भूख लगी है, क्योंकि काम करते हैं ना तो भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगने लग जाती है। और आज पूरा घर मैंने अच्छे से मतलब कि जहाँ भी डस्ट वगैरह थी ना उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और किचन भी आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा किचन क्लीन है। और इधर थोड़े से बर्तन हो गए, क्योंकि ये अभी के जूस वाले बर्तन हैं, इनको मैं बाद में एक साथ में साफ करूँगी। अभी मैंगो, अरे अभी को खाना है, खा लो, खट्टा नहीं है, अच्छा खा के देखो। Good boy, good boy.
साइज में, तो मैंने इसको तो वैसे ही धो के अभी के लिए दूध गर्म करना, तो क्यों ना चाय बना लेते हैं। और थोड़ा सा चाय पीने का मन भी हो रहा था, और वैसे अभी सब्जी में छौंक लगाना है मुझे, तो पहले साथ साथ में चाय पीती रहूँगी, साथ साथ ही मेरी सब्जी को छौंक लूँगी। और वैसे हो गया तेल गर्म, पहले सब्जी को छौंकती हूँ, थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। सच में चाय बहुत अच्छी बनी थी, अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं साथ साथ में चाय पी रही थी, लेकिन तेल था वो गर्म हो चुका था, तो मैंने सोचा पहले जल्दी से इसको छोंक देती हूँ, बाद में आराम से बैठ के पीऊँगी। मैंने एक दो घूंट ली थी चाय की, तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छोंक लगा दिया है, और इस मसाले को मैं अच्छे से मतलब कि भून लूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो डाला है इसको शायद सीताफल बोलते हैं, और मैंने सोचा ये कद्दू है, मुझे सच में नहीं पता था क्या। और इसकी सब्जी मैंने पहली बार बनाई थी, क्योंकि कद्दू तो ये लेके आते थे, लेकिन ये वाला जो सीताफल है इसको शायद पहली बार ही लेके आए थे। तो बस सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, और इतनी देर में फिर मैंने चाय पी के आटा भी लगा लिया। और रोटी बस हमें ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती, 5 रोटी बनाती हूँ मैं दोपहर में, क्योंकि ये रहते नहीं हैं घर पे, और हम माँ बेटे दोनों रहते हैं, तो बस हम दोनों को भी ये बहुत होती है, वैसे भी रखी रह जाती है 1-2 बज के। तो बस मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ। सबको बोल दो आप भी खाना खा लो। खून आ गया? नहीं आया खून, अभी को खून आ गया बोल रहा, नहीं आया बेटा, अभी को दर्द हो गया। आ जाओ चलो कमरे में खाना खाएंगे। तो बेटा लंच की थाली है वो बन के रेडी हो गई है, तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। और यहाँ पे अभी ना इतने नाटक करता है ना आजकल, चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब कि जो फ़ोन वगैरह में टीवी वगैरह में बच्चे जो देख रहे हैं ना, सब कुछ वो ही कर रहे हैं आजकल। तो मैं बस अभी को पहले रोटी खिलाऊँगी, जब मतलब ये खा लेगा उसके बाद में मैंने सोचा मैं आराम से खा लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग कार्टून देख रहे हैं, अभी के सारे दिन कार्टून चलते रहते वैसे तो। कंप्लीट हो चुका है, सब्जी इसमें निकाल के रख दिया, और सारे बर्तन भी धुल के रख दिया मैंने ऊपर की साइड। और अभी ने इतना मेरा काम फैला रखा साइड, मेरी बिल्ली वगैरह थी ना उसने सारी खेल के रखी हुई है, तो मैं उनको समेटूंगी। और इधर इसका दूध रखा हुआ है, ये इसको अभी डाल के और अभी पिलाऊंगी और इसको सुलाऊंगी। और ये देखिए इसने आज क्या काम किया, हम आपको दिखाते हैं। कमरे में लगी हुई थी और इसने देखो इतना आगे खिसका दिया इस टेबल को, ये तो पता नहीं टीवी कैसे मतलब नीचे नहीं लगी है, नहीं इसने तो आज अपना काम कर लिया था। अभी ऐसे सरताली नहीं करते, ये तो ठीक है बेटा, ऐसे काम नहीं करते, तो इसको मैं ठीक करूँगी। जब मैंने इसको पीछे खिसकाने के लिए किया ना, तो ये रोने लग गए कि आपने ऐसा क्यों किया। और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि जब मैंने बेड को मतलब उस साइड में खिसका है ना, तो मैंने बोला देखो अभी मैंने अच्छा कर दिया ना, तो ये भी मुझे दिखाने के लिए कि मम्मा मैंने भी इसको खिसका के देखो सुंदर बना दिया। मतलब ये मेरे को देख के किया, मतलब कर रहा था, मैं इस कमरे में बैठी हुई थी, फिर अचानक से आके बोला मम्मा मम्मा देखो मैंने क्या कर दिया। सच में मैं देख के डर गई, ये भगवान नीचे ही नहीं गिरा, अगर गिर जाता तो आज पता नहीं क्या मतलब इसके पापा क्या बोलते फिर आके, वो ये ना कि बोलेंगे बच्चे का ध्यान नहीं रख दिया ये वो, ये हो जाता, पर ठीक है गिरी नहीं। तो चलिए गाइस जी फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है खाने पीने का, और इस कमरे में थोड़े इस मतलब खेल के रखे हैं उनको समेटूंगी, इसको दूध पिला के भी सुलाऊंगी मैं। तो चलिए काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है अगर मतलब कंटिन्यू करूंगी शाम तक, तो मैंने सोचा इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आप सभी लोगों से एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।